आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक खगोलीय दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से 1.5 मीटर दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ज्ञात करिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है खगोलीय दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी, जिसे हम लोग दर्शाते हैं एफओ से, तो एफओ का मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और बोला गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफई से, जो कि दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी सहायता से 1.5 मीटर दूर स्थित वस्तु को देखा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वस्तु की बात की गई है, तो हम लोग वस्तु को किससे देखते हैं? वस्तु को हम लोग अवदर्शक लेंस से देखते हैं। तो जो ये दूरी होगी, तो वस्तु अवदर्शक से 1.5 मीटर दूर होगी, तो जो ये मान है वो किसका मान होगा? अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, जिसको हम दर्शाते हैं यूओ से, और यू का मान क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी होती है। तो यूओ का मान हो जाएगा माइनस का 1.5 मीटर। ठीक है, जिसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब, यहाँ लिख लेते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तब दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होती है? तब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो इस स्थिति में दोनों लेंसों के बीच की दूरी का मान होता है मॉड वीओ प्लस मॉड यूई। अब देखिए, हमें किसका मान ज्ञात है? हमें केवल एफओ, एफई, यूओ का मान ज्ञात है, ना ही हमें वीओ का मान ज्ञात है और ना ही हमें यूई का मान ज्ञात है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अवदर्शक लेंस का सूत्र लगाएंगे और एफओ और यूओ की सहायता से क्या करेंगे? वीओ का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार नेत्र लेंस के सूत्र से हम लोग यूई का मान निकाल लेंगे और फिर दोनों मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पहले लगाएंगे अवदर्शक लेंस के सूत्र से, तो अवदर्शक लेंस के सूत्र से तो अवदर्शक लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। हमें ज्ञात करना है मान VO का, तो यहाँ पर मान रख देते हैं FO का मान कितना है 25, और VO का मान ज्ञात करना है, और UO का मान में दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 150, तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/150 बराबर 1/VO। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से मान मिलेगा हमें 6 - 1/150 बराबर 1/VO। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें VO बराबर 150/5, तो ये मिल जाएगा VO बराबर 30 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया? हमने VO का मान ज्ञात कर लिया है अवदर्शक लेंस के सूत्र की सहायता से। अब हम निकालेंगे UE का मान, तो नेत्र लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो नेत्र लेंस के सूत्र से, तो नेत्र लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। और देखिए, नेत्र लेंस के लिए जो VE का मान होता है, तो VE का मान होता है माइनस का D, और D का मान क्या है? 25 सेंटीमीटर। D क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा माइनस का D, मतलब कि VE का मान हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो अब मान रख देते हैं मैं किसका मान ज्ञात है, मैं FE का मान ज्ञात है, VE का मान ज्ञात है, क्या UE का मान वहां से मिल जाएगा? तो FE का मान प्रश्न में कितना दिया हुआ है? देखिए, एफी का मान दिया हुआ है 2.5, से हो जाएगा 1/2.5 बराबर 1/-25 माइनस 1/UE। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/UE बराबर 1/-25 माइनस 1/2.5। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से मान मिलेगा 1/UE बराबर माइनस के 1 - 10/25, जिसे हम लिख सकते हैं -11/25। तो यूई बराबर हो जाएगा माइनस का 25/11, तो जिसे हम हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा यूई बराबर कितना मिल जाएगा? माइनस का 2.27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने क्या कर लिया? यूई का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें यूई और वीओ दोनों के मान ज्ञात हैं,
तो दोनों का मान जब हम पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, दोनों लेंसों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी हो जाएगी, बीच की दूरी मॉड वीओ प्लस मॉड यूई। तो वीओ कमांड में कितना ज्ञात किया था, वीओ कमांड में ज्ञात किया था 30 सेंटीमीटर से गेट देंगे, मॉड 30 प्लस मॉड माइनस का 2.27, तो यहां से मिल जाएगा 30 प्लस 2.27 सेंटीमीटर। तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी यहां से मिल जाएगी हमें 32.27 सेंटीमीटर। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी 32.27 सेंटीमीटर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।